हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द बेसिक नॉलेज टुडे वी विल इन्जॉय अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम दॉलीटरी रीपर बाय विलियम बर्शत ओके लेट्स स्टार्ट एंड विलियम वर्शत वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएट ऑफ इंग्लैंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इजॉय फॉर एवर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इजॉय फॉर एवर दैट मीन जो खूबसूरती होती है या फिर जो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है ना वो लाइफ लॉन्ग होता है यानी लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट डालता है हम पे The scenic view of picturesque side bridges our eyes. The haunting melody of a cuckoo soothes our soul. A soulful tone of a singer amuses our heart. The moment we take leave of this sight or sound, they occur to us recurringly in a flashback. We can hardly part with them. The voice and the vision have a long-lasting effect on us. They continue to be a perennial memory with us. They never cease to be. Okay. थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर मीन एक्स गुड एक्सपीरियंसिस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस हज अर लाइफ लॉन्ग इफेक्ट द सेनिक व्यू ऑफ ए पिक्चर साइट प्लीजेस आवर आईज कुछ एक अट्रैक्टिव सा कोई साइट हमने देखा है ना तो हमारी आंखों को खुशी होती है उसे देखकर द हॉन्टिंग मेलोडी ऑफ ए कुकू सुदेश आवर सोल ठीक है हमारी आत्मा कुछ हो जाती है जब एक कुकू बढ़ गाती है ना अ सोल फुल टोन ऑफ ए सिंगर अम्यूज आवर हार्ट ठीक है अगर कोई दिल से कोई सिंगर गाता है ना तो उसको सुनकर हमारी हार्ट भी हमारा दिल खुश हो जाता है. है ना इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो होता है ना हर किसी को अच्छा लगता है और हर किसी के लाइफ में इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है द मोमेंट वी टेक लीव ऑफ दिस साइड और साउंड द अकर टू आस रिकरिंगली इन आर फ्लैश बैक ठीक है तो हम इससे चाहे दूर भी चले जाए ना फिर भी बार बार ये जो है एक फ्लैशबैक डालता है हमें बार बार वो याद आता है कि वो साइट हमने देखा है या फिर वो साउंड हमने सुना है जो कभी नहीं सुना था वी हार्डली पार्ट विद देम ओके द वॉइस एंड द विजन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अस ठीक है जो वॉइस या फिर जो विजन हमने देखा वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल देता है हम पर कंटिन्यू टू बी वे पेरिनियल मेमोरी विद अस और हमारे साथ ना एक कभी ना भूलने वाला बहुत अच्छा सा मेमोरी बन जाता है दिन बचिश टू भी ठीक है जिसको हम बहुत अच्छा मेमोरी होता है हमारे लिए और हम उसको बार बार या बार बार जो है याद करके खुश होना चाहते हैं ठीक है और बार बार हमें वो याद भी आता रहता है हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक क्या आपको कभी एक्सपीरियंस है इस तरह का चार्मिंग म्यूजिक हो या फिर ब्यूटी हो जिसे आप कभी ना भूल पाए हों होगा जो आपको अच्छा लगा होगा कुछ ठीक है जो बार बार आपको याद आता होगा या फिर आप उसको इंजॉय कर रहे होंगे ठीक है यू मस्ट हैव होगा ठीक है वेल लेट्स रीड द द द फॉलोइंग टू नोट हाउ म्यूजिक ऑफ अ गर्ल ऑन माइंड ऑफ ए पोएट विलियम ऑर्सॉथ ठीक है यहाँ पोएट विलियम ऑर्सोथ के दिल को छू गई है एक लड़की का म्यूजिक ठीक है जो की स्कॉटिस गर्ल स्कॉटिश मीन स्कॉटलैंड के निवासी को हम स्कॉटिस कहते हैं तो वो गर्ल जो है स्कॉटिश है और उसका गाना जो है वो पोएट को बहुत ज़्यादा पसंद आया है ठीक है और उसी को उन्होंने द सॉलीटरी रीपर में लिखा हुआ है तो लेट्स स्टार्ट हम देखेंगे पोएम में उन्होंने क्या लिखा हुआ है बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलीटरी हाईल एंड लेस रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉफ योर और जेंटली पास ओके यहाँ पर जो स्टोरी है जो पोएम है उसका नाम है द सलिटरी रीपर सॉलिटरी मीन एलॉन ओके अकेला अकेला ठीक है और रीपर होता है द पर्सन हु कट्स एंड द ग्रेन्स और क्रॉप्स ठीक है इज कॉल्ड रीपर ओके वो पर्सन जो कि फसल को काटे और उसको फिर बांधे उसको रीपर कहते हैं ओके यहाँ पर द सलिटरी रीपर मतलब अकेला या फिर अकेली रीपर तो यहाँ पर बेसिकली एक गर्ल के ऊपर है तो एक, एक अकेली लड़की जो कि ग्रेन को काट रही थी और उसको क्रॉप को काट रही थी और उसको बांध रही थी अकेली ठीक है इसको मतलब विलियम ने देखा और उस पर उन्होंने ये लिखा हुआ है उनके एक्सपीरियंस से ठीक है वी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सोलिटरी हाईलैंड होल्ड हर सिंगल ओके बी होल्ड का मतलब होता है टू लुक एट और सी समबडी और समथिंग किसी को देखना ठीक है सिंगल अकेला इन द फील्ड फील्ड में योन सोलिटरी हाईलैंड जो योन होता है इसका मतलब ओवर देयर वहां पर Solitary अकेला हाईलैंड लेस क्या होता है गर्ल हु lives इन द हाईलैंड माउंटेन रीजन में जो गर्ल रहते हैं उसको हाईलैंड लेस लेस होता है uh, masculine यहां पे लड़की के फॉर्म लड़की के लिए यूज हुआ है ठीक है बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सोलिटरी हाईलैंड लेस देखो उसको अकेले फील्ड में वहाँ अकेली हाईलैंड लड़की ठीक है हाईलैंड में रहने वाली लड़की रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ ठीक है खुद ही काट रही है खुद ही बांध रही है एंड सिंगिंग सिंगिंग का मतलब है खुद ही गा रही है बाय हर सेल्फ खुद ही गा रही है रिपिंग मतलब काटना या फिर बांधना अनाज को फसल को एंड सिंगिंग खुद ही खुद गा रही है बाई हर सेल्फ ओके क्वेश्चन आ सकता है कि लड़की किसको गाना सुना रही थी किसी को नहीं सुना रही खुद ब खुद गा रही थी ओके रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास यहाँ रुक जाए या फिर जेंटली चले जाए ओके okay, यहाँ पे ट्रैवलर से कहा जाता है को ट्रैवलर से जो कि राइट जो हमारे पोइट हैं विलियम और उनके साथ थे ठीक है यहाँ उन्हों वो कह रहे हैं कि देखो उस अकेली लड़की को जो फील्ड में वहाँ गा रही है ठीक है रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ खुद ब खुद काट रही है खुद ब खुद बांध रही है और खुद को ही गाना सुना रही है ओके स्टॉप हियर यहाँ रुक जाएं उसके गाने सुनने के लिए या फिर जेंटली पास धीरे से चले जाएं क्यों धीरे से जाएं कहीं ये लड़की डिस्टर्ब ना हो जाए और ये गाना गाना बंद ना कर दे मुझे तो इसका गाना सुनना है अगर को oh, ट्रैवलर्स तुम्हें नहीं सुनना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो ठीक है जेंटली ओके यहाँ रुक सकते हो या फिर जेंटली धीरे से जा सकते हो ताकि ये लड़की डिस्टर्ब ना हो मुझे इसका गाना सुनना है क्योंकि ये गाना मुझे तो बहुत पसंद है ओके वी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सलीटरी हाईल एंड लेस उसको अकेले देखो फील्ड पर ठीक है लड़की रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ खुद ही काट रही है खुद ही बांध रही है और खुद ही गा रही है स्टॉप जेंटली पास रुक जाएं या फिर धीरे से चले जाएं ताकि लड़की न यह लड़की डिस्टर्ब ना हो आई होप ये टांजा आपको समझ में आया होगा Next देखते हैं फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड देखो अलॉन सी कट्स अकेली वो काट रही है अकेली वो काट रही है एंड बाइंड्स द ग्रेन अकेली वो काट रही है अकेली वो बांध रही है एंड सिंग्स मिलान कोलिस्ट्रेन और वो गा रही है एक मिलान कोलिस्ट्रेन मिलान कोलिस्ट्रेन मतलब होता है सैड सॉन्ग क्या होता है सैड सॉन्ग तो वो लड़की जो है आ, फसल काट रही है उसको बांध रही है अकेली अकेली और जो वो गा रही है ना वो क्या गा रही है मिलान कोलिस्ट्रेन सैड सॉन्ग दुख का गाना गा रही है ओ लिशीन सुनो फॉर द वेल प्रोफाउंड ओके वेल का मतलब होता है वैली और profound का मतलब होता है डीप यानी गहरा ठीक है इज़ overflowing विद द साउंड तुम भी सुनो ओलिशिन तुम सब सुनो पूरा वैली जो है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है इसकी साउंड से बिल्कुल गहराई के साथ मतलब इतनी गहराई इसका जो सॉन्ग है हमारे दिल में इतना गहराई तक जा रहा है दैट मीन पूरा वैली जो है इससे ओवरफ्लो हो रहा है ये लड़की का गाना इतना अच्छा है और ये गा रही है कुछ दुख का गाना नोट करें लड़की जो गा रही थी वो हैप्पीनेस में नहीं वो दुख में गा रही थी क्योंकि यहाँ मिलान कॉलिस्ट्रेन लिखा हुआ है दैट मीन्स सैड सॉन्ग ओके अलोन सी कर्ट्स अकेली वो काट रही है एंड अलोन बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मिलान कॉलिस्ट्रेन और क्या गा रही है मिलान कॉलिस्ट्रेन मीन सैड सॉन्ग ओ लिशेन सुने फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड ठीक है पूरा पूरा का पूरा वैली जो है ओवरफ्लो हो रहा है इसके मिलान से इसके सैड सॉन्ग से जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टैंडर इज नो नाइटेंगल डिड ए मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंडस ऑफ ट्रेवलर्स इन सैडी हॉन्ट अमॉन्ग एरबियन सैंड्स ओके देखते हैं इसको समझते हैं नो नाइटेंगल डिड ए व नो नाइटंगल इज वन टाइप अ बर्ड एक बड़ी बर्ड है जिसे हम बुल बुल कहते हैं ठीक है नो नाइटंगल डवर चॉन्ट चॉन्ट का मतलब होता है सिंग यानी गाना मोर वेलकम नोट वेलकम नोट मतलब होता है स्वागत संगीत ठीक है वेलकम नोट जिसको हम वेलकम uh, करने के लिए जो गाना गाते हैं ठीक है टू वेरी बैंड वेरी बैंड क्या होता है काफिला जिसे हम कहते हैं ना वेरी मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड और बैंड होता है ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है मैं समझा रही हूँ आप ध्यान से सुने नो नाइटल डिड एवर चंट ऐसा गाना ना कभी कोई बुलबुल ने भी नहीं गाया था ठीक है ऐसा गाना कभी कोई बुलबुल ने भी नहीं गाया था मोर वेलकम नोर्स किसको किसके लिए वेलकम नोट किसके लिए ना वेरी बैंड वेरी कहने से हमारे टायर्ड बैंड कहने से लोग जो ग्रुप में पीपल काफला जाता है ना ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमोंग अरेबियन सेंट जब अरेबियन सेंट में अरेबियन डेजर्ट में लोग ग्रुप बन करके जाते हैं ना ऊँट में सवार होकर के हो करके या चल करके हो आपने मूवीज में देखा होगा का, काफला जिसे कहते हैं ठीक है और वो जब थक जाते हैं तो सैडी हॉन्ट हॉन्ट का मतलब होता है प्लेस विजिटेड फ्रिक्वेंटली बार बार अगर किसी जगह को जाते हैं हम और सैडी मतलब छायादार फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें एक पॉन्ड है जिसके चारों तरफ ट्रीज़ हैं बड़े बड़े और उसके ऊपर जो है बुलबुल यानी नाइट एगल बैठी है और वो गाना सुना रही है किसको ना थके हारे पथिक जो उस रास्ते से जा रहे हैं काफले के साथ वो वहाँ पानी पीने के लिए रुके होंगे किसके पास पॉन्ड के पास और वहीं पर उसी पॉन्ड के जो आसपास जो है ट्रीज होंगे उसी के ऊपर जो बुलबुल बुल है यानी नाइट एंगल है वो गा रही है ताकि वो लोग जो हैं इंजॉय कर सकें सो so, उनको ये वेलकम नोट है ठीक है समझ में आया नो नाइट एंगल डिड एवर चर्ट है ना ऐसा गाना ना कभी किसी बुलबुल बुल ने भी नहीं सुनाया होगा मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ठीक है वेरी बैंड को स्वागत करने के लिए ऐसा गाना कभी बुलबुल बुल ने भी नहीं गाया होगा ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट ट्रैवलर्स जो सारे पथिक हैं उस रास्ते से जाते हैं ठीक है सैडी हॉन्ट को आते हैं ठीक है सैडी हॉन्ट मतलब छायादार हॉन्ट जहाँ पे लोग फ्रिक्वेंटली जाते हैं रेस्ट लेने के लिए या फिर जब थक जाते हैं रेस्ट लेने के लिए पानी पीने के लिए तो वहाँ पर अमोंग अरेबियन सेंट कहाँ की बात की जा रही है अरेबियन सेंट और अरेबियन डेजर्ट की जहाँ पे लोग काफिले के साथ जाते हैं और थकने के बाद सैडी हॉन्ट में जाकर बैठ जाते हैं और नाइट एंगल उन्हें वेलकम नोट सुनाती है ना तो उसका वेलकम नोट ना वो भी कंपे कंपेरेबल नहीं है इस सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग के साथ दैट मीन ये जो सॉलिटरी रीपर है ना इसका सॉन्ग नाइट एंगल से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है नाइट एंगल से भी ज्यादा अच्छा है ओके okay? यहां पर नाइट एंगल के साथ में जो है कंपेयर किया गया है किसको को सॉलिटरी रीपर को ठीक है होप यू एंजॉय समझ में आ गया हो आपको नेक्स्ट देखेंगे अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमोंग द फारदेस्ट हैब्रिडीज ओके द वॉइस वॉज सो थ्रिलिंग वॉइस जो है ना बहुत ज़्यादा रोमांचिक था द वॉइस वॉज सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड कभी सुना नहीं गया था इस तरह का वॉइस ना मैंने कभी भी नहीं सुना था इन स्प्रिंग टाइम बसंत की रितु में मौसम बाहर में फ्रॉम द कुकूबर्ड किसते कुबर्ड देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना जरूरी है पहले जो है कंपेरिजन उसकी नाइट एंगल के साथ हुई है अरबियन सैंड में सैडी हॉन्ट में वेलकम नोट सुनाती है नाइट एंगल किसको को को वेरी बैंड्स को ठीक है कंफ्यूज नहीं होना और यहाँ पर जो है कुकूबर्ड के साथ फिर से तुलना की गई है अब वॉइस वो थ्रिलिंग वो वॉइस जो है ना इतना रोमांचक था नेवर वॉज हर्ड कभी सुना नहीं गया था इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकूबर्ड बसंत के ऋतु में कुकूबर्ड से भी मैंने इस तरह का गाना तो कभी सुना ही नहीं था ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फॉर हेब्रिडी द साइलेंस ऑफ द सी मीन स्टेयरलेस ओके लाइफलेस स्टील एटमोसफियर ऑफ द फ्रोजन सीज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड ओके तो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी द डीप साइलेंस इज सैटर्ड इन स्प्रिंग बाय द थ्रिलिंग वॉइस ऑफ द कुको ठीक है इस तरह का गाना ना कुको बड़े भी कभी नहीं सुनाई थी अबॉन्ग द फारदेस्ट एवरेडीज फर्देस्ट मतलब होता है जो दूर का एवरेडीज जो आइलैंड आइलैंड टाइप बेसिकली होता है द मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड बिकॉज द गर्ल वॉज स्कॉटिश लड़की जो है वो स्कॉटिश थी दैट मीन स्कॉटलैंड की थी ओके okay? तो पहली बात हो गई कि जो नाइट एंगल थी वो अरेबियन सैंड में गा रही थी वेलकम नोट सुना रही थी वेरी बैंड को सैडी हॉन्ट में ठीक है और ये जो कुकुबर्ड है उसका रिलेशनशिप किसके साथ है कुकूबर्ड स्प्रिंग सीजन में गा रही थी ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा टाइम कौन सा सीजन मेंशन किया गया है कुकूबर्ड का स्प्रिंग में भी इस तरह का गाना कुकूबर्ड से हमने नहीं सुना था जितना खूबसूरत गाना सॉलिटरी रीपर का है ओके देन फारद हेब्रिटीज का है रिलेशन किसके साथ में कुकूबर्ड का नाइट एंगल के साथ में नहीं ठीक है फिर नेक्स्ट आजा देखेंगे Will no one tell me what she thinks? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far of things and the battle long ago. Okay, they go. Will you? विल यू नो tell टेल मी she सिंग्स क्या मुझे कोई नहीं बता पाएगा कि वो क्या गा रही थी इसका मतलब जो पोइट है उन्हें नहीं पता है कि वो सॉलिटरी रिपर गा क्या रही थी उसका थीम मुझे नहीं पता मतलब पोइट कहते हैं वो क्या गा रही थी मुझे इतना तो नहीं पता बस उसके सॉन्ग से मुझे लगता था कि वो कोई मिलान स्ट्रेन ही गा रही है दैट मीन सैड सॉन्ग ही गा रही है ओके विल नो वन टेल मी व्हाट सी क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही थी पर पे वो गेस करने लगते हैं हो सकता है कि ये ये थीम में गा रही हो पर द प्लेटिव नंबर्स ओके प्लेंटिव नंबर क्या होता है जो दुख का गाना ठीक है प्लेंटिव नंबर मतलब होता है सैड म्यूजिक ओके दलेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैपी फार ऑफ थिंग्स बहुत ही पुरानी पुरानी यादों यादों को लिए याद करके रो रही है अनहैप्पी बहुत ही दुखी है या फॉर ऑफ थिंग्स वो चीज़ें जो उससे दूर हो चुकी हैं एंड बैटल्स लोंगे को या फिर बहुत साल पहले यहाँ एक युद्ध हुआ है बैटल हुआ है और उसमें कोई इसका अपना मारा गया है उनको याद करके ये रो रही है पहली बात जो पोएट विलियम वर्सोथ हैं वो कंफर्म नहीं है कि ये लड़की गा किस टॉपिक पर रही है इतना तो पता है कि सैड सॉन्ग गा रही है क्योंकि प्लेंटिव नंबर्स है दैट मीन मिलान कॉलिस्ट्रेन है सैड सॉन्ग है लेकिन ये लड़की किस टॉपिक पे गा रही है ये मुझे नहीं पता है मैं बस गेस कर सकता हूँ कि परह हो सकता है द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो कोई सैड म्यूजिक हो पर ओल्ड पुरानी यादें हों अनहैप्पी जो दुख वाली हैं फार ऑफ थिंग्स जो चीज़ें उससे दूर चली गई हैं उन्हें याद करके वो गा रही हो या फिर बैटल्स लॉन्ग इको बहुत सालों पहले यहाँ कोई बैटल हुआ है जिसमें इसका कोई अपना मारा गया है जिसे याद करके ये सैड का सॉन्ग गा रही है दैट मीन मिलान कोलिस्ट्रेन गा रही है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट आंजा और इट इज सम मोर हम्बले फैमिली मैटर ऑफ टूडे सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज बीन और मे बी अगेन देखो और इज़ इट सम मोर हम्बल ले या फिर ये कुछ एक ऑर्डिनरी सा सॉन्ग है हम्बल ले हम्बल ले का मतलब होता है ऑर्डिनरी सॉन्ग हो सकता है ये कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग हो फेमिलयर मैटर ऑफ टुडे आजकल का जो फैमिली मैटर है नॉर्मली उसको ले ये के, गा रही है क्योंकि मुझे पर्टिकुलर तो नहीं पता ना कि क्यों गा रही है और ये क्या थीम है इसका तो मैं बस गेस कर सकता हूँ हो सकता है कोई साधारण सा दुख भी हो सकता है और इज सम हम बल्ले ऑर्डिनरी सॉन्ग फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे है ना ऐसे ही फेमिलियर मैटर हो आजकल का सो आप नेचुरल सोरो कुछ नेचुरल सोरो हो लॉस कुछ खो गया हो या फिर कुछ दर्द हो पेन हो दैट हैज बिन जो हुआ है एंड मे बी अगेन और वो लड़की सोचती है कि फिर से वैसी घटना उसके साथ होगी और इसलिए वो रो रही है हो सकता है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर जो है विलियम ऑर्सो पहले तो वो सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो क्या गा रही है लेकिन मुझे लगता है कि वो दुख का गाना गा रही है प्लेंटिव नंबर्स ओके किसे याद कर रही है ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स जो कि उसके लाइफ में अनहैप्पी कुछ हुआ है उसी को ही याद करके रो रही है एंड बैटल्स लोंगे को है ना बहुत साल पहले कोई युद्ध हुआ है जिसमें कोई इसका अपना मारा गया है जिनके लिए वो ये सैड सॉन्ग गा रही है या फिर वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग हो मैं एक्स्ट्रा ही सोच रहा हूँ ज़्यादा हो सकता है कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग हो फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे ठीक है कुछ फैमिलियर मैटर हो सकता है नेचुरल सौरो हो सकता है क्योंकि ये सौ सो, गाना सोरोफुल है मुझे पता है इसीलिए नेचुरल सौरो भी हो सकता है कुछ लॉस और पेन हो सकता है डट मीन इसका कुछ खो गया हो या फिर कोई दर्द में हो है ना जो इसके साथ हुआ है और ये फिर हो सकता है इसकी आशंका है और इसको लगता है ऐसा उसके साथ फिर से होगा इसलिए वो दुख में गा रही थी है ना होप यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखते हैं

थीम थीम चाहे कुछ भी हो द मैडन सॉन्ग जो भी वो लड़की गा रही थी मैडन मीन लैश लड़की ओके गर्ल वट एवर द थीम थीम चाहे कुछ भी हो द मैडन सेंग जो वो लड़की गा रही थी आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग ऐसा लगता था ना अंत नहीं होने वाला सॉन्ग है क्योंकि अगर उसका हो सकता है उसका गाना बंद हो जाए लेकिन मेरे दिल में खास करके इसकी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी दैट मीन एवर लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालता है इस तरह का गाना ना दिल को छू जाने वाला है ठीक है सॉन्ग हाँ नो एंडिंग ऐसा लगता था ना उसका गाना कभी खत्म ही नहीं होगा I saw her singing work. मैंने उसे गाते हुए देखा अपने काम के साथ ठीक है आर्ट हर वर्क एंड ओवर सिकल बेंडिंग सिकल क्या होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है टूल है टूल फॉर कटिंग ग्रास और पेडी है ना? जिससे हम ग्रास काटते हैं या फिर पैडी नॉर्मली आपने सिकल देखा भी होगा घर पर ठीक है और उससे वो फसल काट रही थी और फिर गा रही थी ठीक है वट एवर द थीम थीम चाहे कुछ भी हो जो वो लड़की गा रही थी ऐसा लगता था ना उसका गाना कभी खत्म नहीं होगा दट मीन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालने वाला है ऐसा गाना मैंने कभी सुना ही नहीं और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मैं कभी सुनूंगा भी ठीक है ओके नेक्स्ट अंडर देखते हैं लास्ट uh, है आई लिस मोशन लेस एंड स्टील एंड आई एंड आज आई माउंटेड ऑफ द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई पोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर नो मोर ठीक है आई लिस राइटर कहते हैं कि मैंने सुना मोशन लेस एंड स्टील ओके मोशन लेस का मतलब होता है ना विदाउट मोमेंट हलचल के हलचल के बगैर दैट मीन मैं हिला भी नहीं उस जगह से है है। है, ना, That means, मेरा mind, मेरा बिल्कुल वहीं पर हुआ है। I listened, मैंने सुना, ठीक मतलब मैं पहाड़ों के ऊपर जा रहा था the music in my heart I bore, जो कि मेरे में था, मैंने अपने हार्ट में धारण किया था लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ट नो मोर है ना बहुत सालों बाद ना कभी भी इस तरह का सुनने नहीं मिला सुने कि आई लिड मैंने सुना मोशनलेस ठीक है एंड स्टिल बिल्कुल मेरा हार्ट मोशनलेस है दैट मीन वहीं पर अटका हुआ है एंड आज आई माउंटेट ऑफ द हिल कि मैं माउंट ऊपर तो हूँ हिल के ऊपर चढ़ रहा हूँ द म्यूजिक इन माई हार्ट लेकिन जो म्यूजिक मेरे हार्ट में है आई वॉल जिसे मैंने अपने हार्ट में रखा हुआ है लॉन्ग आफ्टर इट वॉज़ हर्ड नो मोर ठीक है इसके बाद बहुत सालों बाद भी मैंने इस तरह का म्यूजिक कभी नहीं सुना था दैट मीन द म्यूजिक वॉज सो इंटरेस्टिंग ओके हर जो है क्या किया ना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाला राइटर के मन में उनके माइंड में कि इस तरह का गाना ना मैं, मैंने कभी नाइट एंगल से नहीं सुना था या फिर नाइट एंगल कभी कोई वेरी बैंड के लिए भी नहीं गाई होगी वेलकम नेट के तौर पर या फिर कोई कुकू बर्ड भी जो है वो भी नहीं गाई होगी स्प्रिंग के सीजन में इतना खूबसूरत गाना था उस सॉलीटरी रीपर का ठीक है अच्छा तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपने इसको समझा होगा सही तरह से ठीक है और जितना सारा क्वेश्चन आंसर है हम उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर अपलोड कर देंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू